have to say something, Manish. सिसोदिया छूटेंगे या नहीं, फैसला आज। देश के जितने राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हर जगह केंद्र सरकार बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट या अन्य मामलों में उन सरकारों को फंसा रही है। सिसोदिया वर्सेस सीबीआई, आज फिर सुनवाई। ऐसी पार्टी जो दावा करती थी वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। सिसोदिया को बेल या जेल? तो दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई की 5 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को नई आबकारी नीति मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि सीबीआई को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए किए जा रहे सवालों के जवाब मिल सके। अब सिसोदिया की बेल पर आज फैसला होना है। 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में है सिसोदिया और इसी पर आज उनकी बेल को लेकर यह फैसला होगा। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई का दिन है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा दिन है। सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है और उसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। शराब घोटाले का यह मामला है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। एक्साइज डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर था जब नई आबकारी नीति बनाई गई। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है कि नई शराब नीति के नाम पर आम आदमी पार्टी ने एक पूरी पीढ़ी को नशे में धकेल दिया। सरकार अपनी हर एजेंसी से आम आदमी पार्टी पे हमला कर रहे हैं। सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई ईडी जो है शिकंजा कस रही है और जो काम सत्येंद्र जैन साहब ने, मनीष जी ने छोड़े हैं उनको हम लोग आगे लेके चलेंगे। केंद्र का एक ही एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है उसको किसी तरीके से रोका जाए। कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होनी है सुनवाई और सिसोदिया ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, इसलिए आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को नई आबकारी नीति मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि सीबीआई को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए किए जा रहे सवालों के जवाब मिल सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक सीबीआई मुख्यालय और कोर्ट के पास प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सिसोदिया की कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात किया गया है। कई मार्गों को बंद किया जाएगा, ऐसे में दिल्ली पुलिस के कुछ हिस्सों में जाम लग सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मनीष सिसोदिया को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें कई पेंटिंग्स शेयर किए गए हैं। पेंटिंग्स में लिखा है कि पूरी दिल्ली में बच्चों का प्यार अपने मनीष चाचा के लिए उमड़ रहा है। बीजेपी ने आतिशी के इस ट्वीट पर सवाल उठाए हैं। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। जितेंद्र, क्या इन 5 दिनों में
शराब नीति से जुड़े जिन सवालों के जवाब सीबीआई को जानने थे वो सवालों के जवाब मिले या फिर और रिमांड की मांग की जाएगी? देखिए विशाल, 5 दिन से पूछताछ चल रही थी मनीष सिसोदिया के साथ, लेकिन आज पूछताछ जब खत्म हो रही है और 2 बजे अदालत में पेश किया जाना है मनीष सिसोदिया को, तो उम्मीद यही मानी जा रही है कि और रिमांड की मांग सीबीआई करेगी। और इसकी 2 वजह हैं विशाल, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत के अंदर उनकी जमानत की याचिका लगाई गई है, और तो उसको खारिज करने का एक जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि और रिमांड की मांग की जाए। वहीं सीबीआई का मानना है कि अभी जो पूछताछ की गई है उसमें सारे सवालों के जवाब निकल करके सामने नहीं आए हैं, लिहाजा अभी जो आरोपी हैं या जो जिनके बयान लिए जा चुके हैं उनके साथ कन्फ्रंट करने की बात को कह करके सीबीआई सिसोदिया का और रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। हालांकि ये अदालत में जाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने दिनों की रिमांड की मांग करेगी, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि मनीष सिसोदिया का रिमांड और मांगा जाएगा। जी जितेंद्र, इससे पहले भी जब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी मनीष सिसोदिया से, जब हिरासत में लिया गया था तो उन्होंने कॉपरेट नहीं किया था, जांच में सहयोग वो नहीं कर रहे थे। इन 5 दिनों में उनकी तरफ उनका जो अप्रोच रहा है इसे लेकर क्या जानकारी आई है? आज सीबीआई इसे कोर्ट में रख भी सकती है? देखिए पयोधी, जब सीबीआई या कोई भी एजेंसी किसी आरोपी को रिमांड पर लेती है तो जो टाइम पीरियड होता है उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है पूछताछ के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिनको कन्फ्रंट कराया जाता है, और उसी के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले जब 26 फरवरी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसमें उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हवाला ये दिया गया था कि जिन भी सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया गया है मनीष सिसोदिया को, उनका वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी बात को ठीक से बता नहीं रहे हैं जो भी जवाब मांगे गए थे, इसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और इसी के आधार पर उनका रिमांड भी लिया गया। सीबीआई ने अदालत में बताया था कि सबूत जो अब तक इकट्ठा किए गए हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है। 5 दिन का रिमांड मांगा गया था और अदालत ने 5 दिन का रिमांड भी दे दिया था। इसमें जो सबसे अहम बात है पयोधी, ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे मामले के अंदर ईडी और सीबीआई दोनों मिलाकर के और मनीष सिसोदिया के समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक ही अदालत दोनों एजेंसीज का मामले की सुनवाई कर रही है, तो यानी कि इस मामले में जब 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं तो यानी कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको जांच करना बेहद जरूरी है। मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले के अंदर मुख्य आरोपी है क्योंकि उन्हीं की देखरेख में इस पॉलिसी को बनाया गया था। वो आबकारी मंत्री थे दिल्ली सरकार के, यानी कि जो शुरुआत हुई है वो उन्हीं के मंत्रालय से हुई है, और बाकी जो आरोपी थे उन्होंने इस पॉलिसी को बनाने में सहयोग दिया था और वो पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया था। यानी कि जो इस पूरी पॉलिसी के अंदर है, इस पूरे भ्रष्टाचार के जो मुख्य आरोपी हैं वो मनीष सिसोदिया हैं, और इसको लेकर के अभी जांच जो है आगे की जानी है। सीबीआई का मानना है कि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच की जानी है, जिनके गवाह बयान लिए जा चुके हैं उनसे कन्फर्म भी कराने हैं। कुछ आरोपियों को हो सकता है कि सीबीआई इस दौरान गिरफ्तार करे और उसको भी कन्फर्म कराने की बात करे, तो लिहाजा आप ये मान सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। सीबीआई आज निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के और रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद आगे की जांच करेगी। अब वो कितने दिन का रिमांड मांगती है ये अदालत में जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 दिन का रिमांड, कम से कम 4 से 5 दिन की और रिमांड मांगी जा सकती है। आम आदमी पार्टी ऑफिस से हमारे साथ मेरे सहयोगी बलराम जुड़ गए हैं। बलराम, मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना न सिर्फ पार्टी के लिए झटका है बल्कि दिल्ली सरकार को भी संकट में डालने वाली घटना थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को भी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर जमानत अर्जी पर सुनवाई की मांग की और कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी अन्य विकल्पों के पास जाइए, यानी जो निचली अदालत है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप जमानत अर्जी डालिए और उसके बाद अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, हम बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं ऋषिकेश, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी डाली है और आज उस जमानत अर्जी पर सुनवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और उसी दौरान मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी, और ये जो सुनवाई है जमानत अर्जी पर, ये जो विशेष न्यायाधीश हैं M.K. नागपाल, उनकी अदालत में सुनवाई होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ कोर्ट टिप्पणी करता है, उन्हें जमानत देता है या नहीं देता है। Z News.